नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरिया स्कूल ऑफ इंग्लिश कॉलेज में। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज हम लोग बात करेंगे टीजीटी एग्जाम में जान घासवर्दी से पूछे जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर। देखो, जान घासवर्दी से अगर हम एवरेज की बात करें तो हर साल एग्जाम में जो है 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, जान घासवर्दी से जो है बायोग्राफी से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जो है जान घासवर्दी को मेनली 4 अवार्ड्स मिले हैं, वहां से एक प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा जो है जान घासवर्दी के प्लेज और नॉवेल्स को मिक्सअप करके दिया जाता है। आपको जो है प्ले या नॉवेल को सेपरेट करने के लिए भी बोला जाता है, ये भी प्रश्न बनता है। देखो, इसके अलावा जो है जान घासवर्दी के इंपॉर्टेंट प्लेस के जो है पब्लिकेशन डेट पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इवन आपसे ये भी पूछा जाता है कि जान घासवर्दी का कौन सा प्ले किस थीम पर बेस्ड है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है जान घासवर्दी ने कुछ पोएम्स लिखा है, वहां से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। और जान घासवर्दी के 3 ट्रायोलॉजीज हैं, वहां से तो श्योर एंड सर्टेन एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स याद भी करा दूं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। जॉन घासवर्दी का जन्म होता है 14 अगस्त 1867, किंगस्टन हिल सरे इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। आप याद कैसे करेंगे, बहुत इजिली आपको याद होगा। 14 अगस्त जो है ये पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है, तो जॉन घासवर्दी का जन्म जो है पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पर होता है। अब ये आपको नहीं भूलेगा। 1867, देखो आपको कैसे याद करना है, मैं कैसे याद किया हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, मैथ्यू अर्नोल्ड का जन्म होता है 1822 में, और इनकी डेथ कब होती है, 1888 में होती है। और 1888 में जो है टीएस इलियट का जन्म होता है, और टीएस इलियट की डेथ कब होती है, 1965 में होती है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो दो राइटर्स की मैंने अभी बात किया, मैथ्यू अर्नोल्ड की बात किया, टीएस इलियट की मैंने बात किया, तो इसमें मुझे 2 ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा, 1967 हो जाएगा। और इसमें से अब आपको क्या करना है, 100 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, 1867। ये पूरा मैथ्स मेरे माइंड में बहुत क्विक होता है, ये मुझे कभी नहीं भूलता है। चाहे आप ऐसे याद करें या आप कैसे भी याद करें, आपको याद होना चाहिए कि जॉन घासवर्दी का जन्म कब होता है, 14 अगस्त 1867 किंगस्टन हिल सरे इंग्लैंड में होता है। इनकी डेथ कब होती है, इनकी डेथ होती है 31 जनवरी 1933 को। ठीक है, और इनकी डेथ जो है ब्रेन ट्यूमर की वजह से होती है। आपको याद आ रहा होगा जॉन मिल्टन की डेथ जो है गाउट की वजह से होती है, और विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ जो है प्लेरोसी की वजह से होती है, तो आप उसको भी एसोसिएट कर लेंगे। और इनका जो है डेथ कहाँ होता है, ग्रोव लॉज हैम्पस्टीड इन नॉर्थ लंदन में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। 1933 आपको याद आ रहा है, 1932 में इनको जो है नोबेल प्राइज मिलता है, जस्ट 1 ईयर्स आफ्टर इनकी डेथ हो जाती है, 31 जनवरी, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे जॉन घासवर्दी के पेरेंट्स के बारे में। जॉन घासवर्दी के फादर का नेम था जॉन घासवर्दी, और इनके मदर का नाम था ब्लैंचे बेली। जॉन घासवर्दी के जो फादर थे वेल्थी सॉलिसिटर थे, और एक प्रॉपर्टी ओनर भी थे, दोनों आपको ध्यान में रखना है। सॉलिसिटर का मतलब होता है अ लॉयर हुज जॉब इज गिव लीगल एडवाइस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनका एजुकेशन कहाँ से होता है, तो देखो एलिमेंट्री एजुकेशन इनका हैरो स्कूल में होता है। उसके बाद जो है इन्होंने ऑनर ऑफ लॉ की डिग्री कहाँ से लिया था, तो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से लिया था। तो आपको ध्यान में रखना है जॉन घासवर्दी ने अपना हायर एजुकेशन कहाँ से लिया था, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था जॉन मिल्टन और विलियम वर्ड्सवर्थ, ये दोनों को दोनों जो है अपना हायर एजुकेशन कहाँ से लिए थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। अब बात करेंगे इनके वाइफ के बारे में। इनकी जो शादी होती है वो होती है एडा नेम्सिस पियर्सन कूपर से 1905 में। ठीक है, और ये जो है ऑलरेडी मैरिड होती हैं। इनकी शादी जो है आर्थर घासवर्दी से पहले से हुई थी, और आर्थर घासवर्दी ये जॉन घासवर्दी के कजिन थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1904 में जो है एडा नेम्सिस पियर्सन कूपर जो है आर्थर घासवर्दी को डाइवोर्स देती हैं, और 1905 में जो है घासवर्दी से इनकी शादी होती है। देखो, जॉन घासवर्दी की मुलाकात जोसेफ कॉन्ड्रेट से 1893 में एक यात्रा के दौरान होता है, और इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है, और ये फ्रेंडशिप जो है लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, तब तक जब तक जो है जोसेफ कॉन्ड्रेट की मृत्यु 1924 में नहीं हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है था। देखो, जॉन घासवर्दी को लिटरेचर लिखने के लिए कौन इंस्पायर्ड किया था, तो एडा कूपर ने किया था, और ये बात जॉन घासवर्दी ने एक्सेप्ट भी किया था। उन्होंने ये कहा था कि आज जो भी मैं हूँ मैं अपनी वाइफ के इंस्पिरेशन की वजह से हूँ। देखो, जॉन घासवर्दी एक ड्रामेटिस्ट भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे, पोएट भी थे, और एसेइस्ट थे। तो अभी हम लोग जो है जॉन घासवर्दी को एज ए ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट, पोएट और एसेइस्ट आगे पढ़ेंगे। जॉन घासवर्दी को मेनली 4 अवार्ड्स मिलते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन आपसे पूछा जाता है।
देखो पहला जो इनको अवार्ड मिलता है वो नाइटहुड का अवार्ड मिलना था, लेकिन इन्होंने 1917 में उसको लेने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि लिटरेचर अपने आप में खुद अवार्ड है। और ये अवार्ड इनको मिलना कब था, 1918 में, और इन्होंने मना कब किया था लेने के लिए, 1917 में। देखो एग्जाम में जब दोनों ऑप्शन एक साथ आपको दे देगा तो वो फिर क्वेश्चन फॉल्स की कैटेगरी में रख दिया जाएगा, जैसा कि अभी रिसेंटली एग्जाम में हुआ भी था, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि नाइटहुड अवार्ड इन्होंने मना किया था लेने के लिए 1917 में, और ये अवार्ड उनको मिलना कब था, 1918 में। इसके अलावा आपको याद रखना है 1921 में जो है जामदास वर्दी को जो है पेन क्लब का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। पेन क्लब का मतलब क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ग्रुप होता है प्लेराइट का, पोएट्स का और एसेइस्ट नॉवलिस्ट का, ठीक है। तो पी से प्लेराइट, ई से एसेइस्ट, एन से नॉवलिस्ट, और उसमें आपको एक और ऐड कर देना है पोएट्स। तो ये पेन क्लब जो है ये प्लेराइट, पोएट्स, एसेइस्ट, नॉवलिस्ट का ग्रुप होता है, और जॉन गॉस वर्दी को 1921 में इसका प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है जॉन गॉस वर्दी को 1929 में जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। 1932 में जो है जॉन गॉस वर्दी को नोबेल प्राइज मिलता है फॉरसाइट सागा के लिए, यहां से तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1932 में जॉन गॉस वर्दी को नोबेल प्राइज मिलता है किस वर्क के लिए मिलता है, फॉरसाइट सागा के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो जॉन गॉस वर्दी के जो शुरू के फोर वर्क्स होते हैं वो जो है जॉनसन जॉन टाइटल से पब्लिश होते हैं, ठीक है। शुरू के चार ऐसे वर्क्स होते हैं जिसको जॉन गॉस वर्दी ने अपना खुद का नेम नहीं दिया, उसको जो है जॉनसन जॉन टाइटल से पब्लिश करवाए थे। वो कौन कौन से वर्क्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। पहला जो इनका वर्क होता है वो होता है फ्रॉम द फोर विंड्स होता है, ये कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी होती है, ठीक है। और ये कब पब्लिश होती है, 1897 में पब्लिश होती है, और जॉन गॉस वर्दी इसको कहते हैं इट इज माई फर्स्ट सिन, ठीक है। इस वर्क को जो है खुद जॉन गॉस वर्दी पसंद नहीं करते थे, और वो ये कहते थे कि इसको जला दो, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार करेंगे। ये स्टेटमेंट किसने बोला है, जॉन गॉस वर्दी ने बोला है। दूसरा जो इनका वर्क होता है जो जॉन सिन जॉन टाइटल से पब्लिश होती है वो होती है जॉसलिन, ये जो है जॉन गॉस वर्दी की फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल होती है। प्रश्न ये पूछा गया है ये कब आती है, 1899 में आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। कहीं कहीं आपको 1898 भी देगा, तो दोनों डेट आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरा जो इनका वर्क होता है वो होता है विला रबिया, ये जो है जॉन गॉस वर्दी की सेकंड फुल लेंथ की नॉवेल होती है, और ये कब आती है, 1900 में आती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे अ मैन ऑफ डिवॉन, ये 1901 में आती है, ये कलेक्शन ऑफ फोर टेल्स होती है, ठीक है। तो ये चार ऐसे जॉन गॉस वर्दी के वर्क होते हैं जो जॉन सिन जॉन टाइटल से पब्लिश होते हैं। देखो होता क्या है ये आप समझ लो, देखो जॉन गॉस वर्दी के जो फादर थे वो सॉलिसिटर थे, एक लॉयर थे, और वो अपने बेटे जॉन गॉस वर्दी को भी चाहते थे कि वो भी एक लॉयर बने, इसलिए उन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल किया था। लेकिन जॉन गॉस वर्दी को जो है लॉयर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो राइटर बनना चाहते थे, और जॉन गॉस वर्दी जो है अपने फादर का बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। तो इन्होंने जो शुरू में जो वर्क्स लिखा वो जो है उन्होंने अपने फादर को छिपा के रखा, वो ये नहीं चाहते थे कि उनके फादर को ये पता चले कि उनका बेटा जो है लॉयर बनने के बजाय एक राइटर बन रहा है। जब उनके फादर की डेथ 1904 में हो जाती है, ध्यान रखना, जब इनके फादर की डेथ 1904 में हो जाती है, तब जो है इनकी जो फर्स्ट नॉवेल आती है द आइलैंड फेरिसेस, उसको उन्होंने अपना नेम देके पब्लिश करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। देखो मैंने नोट में यहाँ पे लिख भी रखा है कि जॉन गॉस वर्दी ने अपना स्यूडोनिम जो है जॉन सिन जॉन, इन्होंने आइलैंड फेरिसेस अपने नॉवेल के साथ ड्रॉप करते हैं, और ये जो है इनकी नॉवेल कब आती है, 1904 में आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सेम ईयर इनके फादर की डेथ भी हो जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। जॉन गॉस वर्दी जो है मॉर्निंग में वो फिक्शन लिखते थे और आफ्टरनून में वो ड्रामा लिखते थे, ये भी आप ध्यान रखना। वैसे भी आप ड्रामा जानते ही हैं, मैटिनी शो एक होती है, मैटिनी जो शो होती है ना वो दोपहर में दिखाई जाती है, तो वैसे भी जो मैटिनी शो वो दोपहर में दिखाई जाती है। जॉन गॉस वर्दी ड्रामा कब लिखते हैं, दोपहर में लिखते हैं, तो इस तरह से आप एसोसिएट कर लेंगे। इसके अलावा देखो जॉन गॉस वर्दी में एक हैबिट होती है, वो यही होती है कि जो ओल्ड नॉवेल्स उनके होते थे उनमें जो है उसके नेम वो चेंज कर देते थे, कुछ उसमें सीन को शिफ्ट कर देते थे, डायलॉग्स को भी सब्स्टिट्यूट कर देते थे, और उसको जो है एक नया प्ले बना देते थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आइलैंड फेरिसेस। आइलैंड फेरिसेस जॉन गॉस वर्दी ने 1904 में लिखा था, और ये जो है रीअपियर्ड होती है एज अ प्ले, और उसका नाम क्या होता है, पिजन, और कब आती है, 1912 में आती है।
नेक्स्ट आपको याद रखना है 1906 जो ईयर होता है जॉन गॉसवर्दी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होता है, क्योंकि इस ईयर जो है जॉन गॉसवर्दी की फर्स्ट रिमार्केबल सक्सेसफुल नॉवेल और प्ले दोनों पब्लिश होती है। जो इनकी फर्स्ट सक्सेसफुल या रिमार्केबल प्ले होती है वो होती है द सिल्वर बॉक्स, ये भी 1906 में आती है, और फर्स्ट जो है इनकी सक्सेसफुल जो नॉवेल होती है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी कब आती है 1906 में आती है। दोनों से प्रश्न पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे जॉन गॉसवर्दी ने जो है कुल मिलाकर के 27 प्लेज हैं जिसको आपको याद रखना है। मैं आपको सारे प्लेज बहुत इजीली याद कराऊंगा, इसको मैं ट्रिक से आपको याद कराऊंगा, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना है और सारे के सारे प्ले आपको याद हो जाएंगे। देखो जॉन गॉसवर्दी के सारे प्लेज आपको याद होंगे, इससे आपको फायदा क्या होगा? देखो इससे फायदा ये होगा कि जब एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा नॉवेल है कौन सा प्ले है, तो अगर आपको सारे प्लेज अच्छे से याद होंगे तो बहुत इजीली आप जो है नॉवेल और प्ले के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। इसलिए जो है जॉन गॉसवर्दी के सारे प्लेज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देखो स्टोरी है, ध्यान से सुनना है। मिस्टर जोन्स होते हैं, ठीक है, मिस्टर जोन्स जो है वो क्या करते हैं, एक सिल्वर बॉक्स की चोरी करते हैं, ठीक है। सिल्वर बॉक्स की जब चोरी करते हैं तो फिर वो ये सोचते हैं कि इसको जब हम बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। ये सोच सोच के वो बहुत ही खुश हो रहे थे, उनको बहुत ही जॉय मिल रहा था। क्या मिल रहा था? जॉय मिल रहा था। अब क्या करते हैं, जब ये घर पे पहुंचते हैं और जब मिसेस जोन को ये पता चलता है कि मिस्टर जोन्स सिल्वर बॉक्स की चोरी करके आए हैं, तो इन दोनों के बीच में स्ट्राइफ हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, ठीक है। स्ट्राइफ का मतलब झगड़ा होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, तो दोनों के बीच में जो है सिल्वर बॉक्स को लेकर के स्ट्राइफ हो जाता है। मिस्टर जोन्स की चोरी पकड़ी जाती है और इनको जो है कोर्ट में लेके जाया जाता है, और कोर्ट का जजमेंट भी आ जाता है जो मिस्टर जोन्स के अगेंस्ट में होता है, और मिस्टर जोन्स ये कहते हैं मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ है। वो ये कहते हैं कि सेम क्राइम जॉन बार्थविक का लड़का जैक बार्थविक ने भी किया था, उसने भी जो है पर्स की चोरी किया था, और मैंने भी सिल्वर बॉक्स की चोरी किया था, उसको उन्होंने छोड़ दिया और मुझे जो है 3 मंथ का इम्प्रिजनमेंट दे दिया। ये कहते हुए जो है मिस्टर जोन्स कहते हैं मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ। अब क्या होता है, मिस्टर जोन्स की जो छोटी सी ड्रीम होती है ना, जो उन्होंने लाइफ के लिए कुछ सोच रखा था, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वो सैटर्ड हो गया है, सब बिखर गया है। अब उनकी एक भी बात नहीं सुनी जाती है, उनको जो है जेल में बंद कर दिया जाता है, उनको प्रिजन में बंद कर दिया जाता है। तो आपको जो है प्रिजन से आपको प्रिजन को एसोसिएट करना है, ठीक है। तो उनको जो है प्रिजन में बंद कर दिया जाता है। अब प्रिजन में जो है इनका जो सबसे बड़ा लड़का होता है एल्डेस्ट सन, वो इनसे मिलने जाता है और वो ये कहता है कि आप भाग क्यों नहीं गए। फ्यूजिटी का मतलब होता है पुलिस की गिरफ्त से भाग जाना। तो वो जो है इनका बड़ा वाला लड़का इसे कहता है कि आप भाग क्यों नहीं गए, आपको भाग जाना चाहिए था। लेकिन कहा कोई बात नहीं, आप भाग नहीं गए, कोई बात नहीं, अब पूरे गांव की जो भीड़ है ना वो तुम्हें बचाने के लिए आ रही है। बड़ा वाला लड़का मिस्टर जोन से कह रहा है कि गांव की जो पूरी भीड़ है वो तुम्हें बचाने के लिए आ रही है। जिस जिसको भी तुमसे थोड़ा सा भी लव है, ठीक है, जिस जिसको भी थोड़ा सा तुमसे लव है, वो सब जो है इस भीड़ में शामिल हैं, वो सब तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, और सभी ने अपने दृढ़ निश्चय का फाउंडेशन पक्का कर लिया है। वो सभी जो है इस स्कीम गेम का विरोध करेंगे, ठीक है, और इस भीड़ में जो है हर फैमिली से एक आदमी शामिल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वो कहता है कि इस भीड़ में जो है हर फैमिली से एक आदमी शामिल है, तो इससे आपको याद रखना है द फैमिली मैन, ठीक है। और सभी लोग जो है लॉयलिटीज दिखाते हैं और मिस्टर जोन्स को जो है प्रिजन के विंडो से बाहर निकालते हैं और उसको कहां पहुंचा देते हैं, फॉरेस्ट में पहुंचा देते हैं। फिर से सुनिए, सभी लोग लॉयलिटीज दिखाते हैं, मिस्टर जोन्स को जो है प्रिजन के विंडो से बाहर निकालते हैं और कहां पहुंचा देते हैं, फॉरेस्ट में पहुंचा देते हैं। फॉरेस्ट में जो है ऑलरेडी एक ओल्ड इंग्लिश मैन रहते हैं, एक बूढ़े अंग्रेज आदमी रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो रास्ता बताते हैं। क्या दिखाते हैं, वो रास्ता बताते हैं मिस्टर जोन्स के बचने का, मिस्टर जोन्स के बचने यानी इसके उसके बचने का वो रास्ता बताते हैं। वो ये कहते हैं कि देखो अगर मिस्टर जोन्स को जो है एक्साइल कर दोगे, क्या कर दोगे, एक्साइल मतलब देश से बाहर कर दोगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा, समझ में आ गया, फिर बाहर जाकर वो कहीं घर में रहे, रुक पे रहे, वो सेफ रहेगा। तो देखो इस तरह से जो है जॉन गॉसवर्दी के 21 प्लेस आपको बहुत अच्छे से याद हो गए हैं, ठीक है। डेट आपको जो है सारे प्ले का इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जिसके डेट आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जो है द सिल्वर बॉक्स 1906 में आती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है आपको याद रखना है स्ट्राइफ की
1909 में आती है, इसके अलावा जस्टिस 1910 में आती है और लॉयलिटीज 1922 में आती है। ये चार डेट आपको याद रखना है, यहां से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। जो भी मैंने आपको छोटा सा स्टोरी बताया है, एक से दो बार आपको रिवाइज करेंगे, आपको जो है सारे के सारे जॉन गॉसवर्थी के प्ले याद हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे, जॉन गॉसवर्थी ने 6 जो है वन एक्ट प्ले लिखे हैं। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, आपसे ये पूछ दिया जाता है कि बताइए ये कितने एक्ट की प्ले है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए पंच एंड गो, ये जॉन गॉसवर्थी के कितने एक्ट की प्ले है, ये वन एक्ट की प्ले है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, बहुत इजीली मैं आपको याद कराऊंगा। इसके लिए देखो आपको एक सीन अपने माइंड में क्रिएट करना है कि एक गेम है, कौन सा गेम है, पंच एंड गो का, ठीक है, मार के भागने का ये गेम हो रहा है और इस गेम में जो है सारे बच्चे शामिल है, चाहे फर्स्ट बच्चा है चाहे लास्ट बच्चा है, सारे के सारे बच्चे इसमें शामिल है और ये जो गेम हो कहां रहा है, बड़े से हॉल में हो रहा है, ठीक है, वहां पे जो है सूर्य का प्रकाश भी आ रहा है। लेकिन इसी बीच क्या होता है, एक छोटा सा आदमी आता है, सारे बच्चों को हरा देता है, सारे बच्चों को डिफीट कर देता है। पूरी बात समझ में आ गई? तो आपको क्या एक इमेज क्रिएट करना है, इमेज आपको ये क्रिएट करना है कि एक गेम हो रहा है पंच एंड गो का और इसमें सारे बच्चे खेल रहे हैं, चाहे पहला बच्चा हो चाहे लास्ट बच्चा हो, सब इसमें खेल रहे हैं और ये जो गेम हो रहा है बड़े से हॉल में हो रहा है, वहां पे सूर्य का प्रकाश भी आ रहा है। इसी बीच जो है एक लिटिल मैन आता है और वो सारे बच्चों को हरा देता है और ये कौन सा प्ले है, जॉन गॉसवर्थी के वन एक्ट प्लेस है। ये कब आते हैं, 1921 में आते हैं, ये अब आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा। देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जॉन गॉसवर्थी के इंपॉर्टेंट प्लेस के कैरेक्टर्स से, तो देखेंगे हम लोग जो है जॉन गॉसवर्थी के जो 4 इंपॉर्टेंट प्लेस हैं उनके कैरेक्टर्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिल्वर बॉक्स, ये जो है 3 एक्ट की प्ले है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके जो मेजर कैरेक्टर्स हैं इसमें आते हैं जॉन बार्थविक, ये जो है लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। ये लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होते हैं लेकिन जो है ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ही क्रूएल होते हैं और इनमें पार्शियलिटी बिल्कुल भरी होती है। सेम क्राइम के लिए अपने बच्चे को ये बचा लेते हैं लेकिन मिस्टर जोन्स को जो है 3 मंथ के लिए इम्प्रिजनमेंट दिलवाने में जो है इनकी अहम भूमिका होती है। जॉन बार्थविक की वाइफ का नाम क्या रहता है, मिसेस बार्थविक, और जॉन बार्थविक के लड़के का नाम क्या रहता है, जैक बार्थविक। इसके अलावा जो है मिस्टर जोन्स एंड मिसेस जोन्स इसमें कैरेक्टर्स रहते हैं। रोपर ये एक सॉलिसिटर होते हैं या फिर एडवोकेट भी कह सकते हो, और स्नो इसमें क्या होते हैं, डिटेक्टिव होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको आप याद कैसे करेंगे, तो बहुत आसानी से याद होगा। देखो स्नो जो है ये व्हाइट कलर का होता है और यहाँ पे सिल्वर भी देखो ये भी व्हाइट कलर का होता है, तो इस तरह से आपको एसोसिएट करना है कि स्नो जो कैरेक्टर है वो किस में आएगा, द सिल्वर बॉक्स में आएगा। ये सारे कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्राइव की, ये 3 एक्ट की प्ले है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो इसमें मेजर कैरेक्टर्स होते हैं ये होते हैं डेविड रॉबर्ट्स, ये जो है वर्किंग मैन कमेटी को लीड करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एनी रॉबर्ट्स, ये जो है डेविड रॉबर्ट की वाइफ होती हैं। इसके अलावा जो है जॉन एंथोनी, ये जो है चेयरमैन होते हैं ट्रेनर्था टीम प्लेट वर्क्स का, ये आपको ध्यान में रखना है। इनके लड़के का नाम जो है एडगर एंथोनी था, इनके लड़की का नाम क्या था, एनिट था। फ्रेडरिक एच वाइल्डर, विलियम स्कैंटरबरी, ओलिवर बैंकलिन, ये सारे के सारे जो है डायरेक्टर्स होते हैं ट्रेनर्था टीम प्लेट वर्क्स के, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो है ये जो कॉन्फ्लिक्ट होती है कैपिटलिस्ट और लेबरर्स के बीच में कहाँ होती है, तो ये होती है ट्रेनर्था टीम प्लेट वर्क्स में, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब हम बात करेंगे जस्टिस की, जस्टिस 4 एक्ट की प्ले है। यहां से कैरेक्टर्स से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। जेम्स हाउ, वाल्टर हाउ, ये सॉलिसिटर्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सॉलिसिटर लॉयर होता है, वन हू कीप्स लीगल एडवाइस। रॉबर्ट कुकसन इसमें जो है सीनियर क्लर्क होते हैं या मैनेजिंग क्लर्क होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है विलियम फॉल्डर, ये जो है जूनियर क्लर्क होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। हेरोल्ड क्लेवर, ये जो है गवर्नमेंट काउंसिल होते हैं, गवर्नमेंट लॉयर होते हैं। हेक्टर फ्रोम जो है ये जो है प्राइवेट लॉयर कह सकते हो, ये यंग एडवोकेट होता है और हेक्टर फ्रोम जो है विलियम फॉल्डर के साइड से केस को लड़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड, ये जज होते हैं। स्वीडर जो है इसमें ऑफिस बॉय होता है। विस्टर इसमें डिटेक्टिव होते हैं। रूथ हनीवेल एक इसमें फीमेल कैरेक्टर होती है। इसके अलावा जो है एडवर्ड क्लेमेंट इसमें प्रिजन डॉक्टर होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। याद कैसे करेंगे, तो बहुत इजीली याद होगा आपको। देखो क्लिनिक में कौन बैठता है, डॉक्टर बैठते हैं, तो क्लेमेंट से क्लिनिक और क्लिनिक से आपको याद रखना है प्रिजन डॉक्टर, अब ये आपको नहीं भूलेगा। कैप्टन सैनसन वीसी, ये जो है प्रिजन गवर्नर होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है जो कि एसी वार्ड ने दिया है, वो स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि जस्टिस इज कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ये एसी वार्ड ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जस्टिस जो है उस पीरियड में जो है प्रिजन गवर्नमेंट पर एक कॉमेंट्री है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, एसी वार्ड ने दिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अब हम बात करेंगे लॉयलिटीज की, जो 1922 में आती है। थ्री एक्ट की ये प्ले है। इसके जो मेजर कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं कैप्टन रोनाल्डेंसी, ये डीएसओ होते हैं, रिटायर्ड कैप्टन होते हैं। देखो डीएसओ का मतलब होता है डिस्टिंग्विश सर्विस ऑर्डर होता है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में जो है वॉर के दौरान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विशिष्ट सेवा देने वाले सोल्जर को ये जो है टाइटल दिया जाता है। कौन सा टाइटल दिया जाता है? डिस्टिंग्विश सर्विस ऑर्डर का। और ये जो है कैप्टन डेंसी को ये जो है सम्मान मिला हुआ था। और कैप्टन डेंसी की जो वाइफ का नाम क्या रहता है? मार्बल डेंसी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो है फर्डिनेंड लेविस, ये इसमें ज्यू कैरेक्टर होता है, और इसकी जो है $1,000 की चोरी हो जाती है और वो उसको रेस्टोर भी करना चाहता था। जिस फ्लैट में जो है कैप्टन डेंसी और फर्डिनेंड लेविस रहते थे, उस फ्लैट के ओनर कौन होते हैं? तो वो होते हैं चार्ल्स विंसर होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्रिश्चियन होते हैं। इसके अलावा जो है जैकोब ट्विस्टन, ये लॉयर होते हैं। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आपको ध्यान में रखना है। देखो आपको ये भी याद रखना है कि जॉन डॉसवर्दी ने जो है जो लास्ट फेज में जितने सारे इन्होंने प्लेज लिखे हैं उनमें जो है लॉयलिटीज सबसे फाइनेस्ट होती है, सबसे बेस्ट प्ले होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनॉक ट्रैंक्विलिटी। यहां से भी एक प्रश्न बनता है, ये जो है कलेक्शन ऑफ स्टडीज एंड एसेज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कब पब्लिश होती है? 1912 में ये पब्लिश होती है। और जॉन डॉसवर्दी ने जो है ड्रामा पे अपने आइडियाज कौन से वर्क में दिया है? तो ये इन्होंने इनॉक ट्रैंक्विलिटी में दिया है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखो एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो जॉन डॉसवर्दी ने बोला है, वो आपको ध्यान में रखना है। वो बोलते हैं टेक केयर ऑफ कैरेक्टर एंड एक्शन एंड डायलॉग विल टेक केयर देमसेल्फ। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है एड्रेसेस इन अमेरिका, ये 1912 में आती है, ये कलेक्शन ऑफ एसेज होती है। देखो मॉडर्न एज में तीन ऐसे मेजर राइटर्स हैं जो प्रॉब्लम प्लेस लिखते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, जॉन डॉसवर्दी है और हेनरी इब्सन है। इनके जितने सारे प्लेस हैं वो जो है समाज में किसी न किसी बुराई को थीम बनाकर लिखे गए हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जॉन डॉसवर्दी के जितने सारे प्लेस हैं वो सारे के सारे जो है किसी न किसी थीम पर बेस्ड हैं। तो वो सारे थीम को हम देखेंगे। यहां से एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। पहला जो इनका प्ले है सिल्वर बॉक्स, इसकी जो थीम होती है इनइक्वालिटी इनजस्टिस या देयर आर टू लॉज, वन फॉर रिच एंड अदर फॉर पुअर। देखो मिस्टर जोन्स पुअर रहता है इसलिए उसको इम्प्रिजनमेंट की सजा मिल जाती है, और जैक बार्थविक चूंकि वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको कोई सजा नहीं मिलती है। तो यहाँ पे देखो देयर आर टू लॉज है, वन फॉर रिच एंड अदर फॉर पुअर। इसके बाद आपको ध्यान रखना है सो, सो का जो थीम होता है वो होता है स्कैंडल्स ऑफ जर्नलिज्म। स्कैंडल्स का मतलब होता है कलंक, ठीक है। तो सो का जो थीम होती है वो होती है स्कैंडल्स ऑफ जर्नलिज्म। इसके बाद हम बात करेंगे द स्ट्राइव की। द स्ट्राइव की जो थीम होती है इसमें ये दिखाया गया है कैपिटलिस्ट और लेबर्स के बीच में डिस्प्यूट दिखाया गया है। समझ में आ गया? तो कैपिटलिस्ट के साइड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? जॉन एंथोनी। और लेबर के साइड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? डेविड रॉबर्ट्स। इसके बाद हम बात करेंगे स्किन गेम की। स्किन गेम में जो है एरिस्टोक्रेसी और कैपिटलिस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष दिखाया गया है। एरिस्टोक्रेट कौन होते हैं? तो ये भी आपको याद रखना है, एरिस्टोक्रेट हिलक्राइस्ट होते हैं और हॉर्न ब्लोअर ये एक कैपिटलिस्ट होते हैं। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इस प्ले में दिखाया गया है, द स्किन गेम में। इसके बाद हम बात करेंगे जस्टिस की। जस्टिस की जो थीम होती है वो होती है जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड या इंग्लिश लीगल सिस्टम। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, देर से दिया गया न्याय न्याय न देने के बराबर होता है या इंग्लिश लीगल सिस्टम जो है, ये थीम होती है जस्टिस की। इसके बाद हम बात करेंगे द एल्डेस्ट सन की। इसकी जो थीम होती है ये होती है कास्टिज्म इन लव एंड मैरिज। इसके बाद हम बात करेंगे पिजन। पिजन की जो थीम होती है उसमें दिखाया गया है द इविल्स ऑफ शेल्टर होम्स या ऑर्फन हाउसेस को दिखाया गया है। इविल्स का मतलब बुराइयां या कमियां दिखाई गई हैं, ठीक है, शेल्टर होम्स या ऑर्फन हाउसेस की। अब हम बात करेंगे फ्यूजिटिव की। फ्यूजिटिव में दिखाया गया है कि मॉडर्न सोसाइटी में अनहैप्पी मैरिज जो होती है वो थीम होती है फ्यूजिटिव की, ये आपको ध्यान में रखना है। मॉब की जो थीम होती है इसमें पीस और वॉर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। इसके बाद जो है लॉयलिटीज, लॉयलिटीज की जो थीम होती है उसमें रेसियल प्रेजुडिस दिखाया गया है। इसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है क्रिश्चियन और ज्यू के बीच में। कैप्टन डेंसी जो है वो क्रिश्चियन होते हैं और डिलेविस क्या होता है? ज्यू होता है। तो इन दोनों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। इसके बाद जो है द एस्केप की जो थीम होती है वो होती है द क्रुएलिटी ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स गुड इंडिविजुअल। इसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है द विंडो की जो थीम होती है मॉडर्न सोसाइटी में जो है इलिसिट रिलेशनशिप और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, ये थीम होता है द विंडो की। तो ये थीम आपको याद रखना है, खास करके चार इनके जो प्ले हैं उसके थीम तो आपको याद रखना है। एक तो सिल्वर बॉक्स की, दूसरा स्ट्राइव की, तीसरा जस्टिस की, चौथा लॉयलिटीज की। यहां से जो है कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं।
अब हम बात करेंगे, जॉन गॉल्सवर्दी ने कुछ पोएम्स भी लिखे हैं, तो पोएम्स से भी कभी कभी कुछ प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो कौन कौन से पोएम्स हैं वो आप जल्दी से देख लीजिए। देखो, मूड सॉन्ग्स एंड डॉगरल्स, ये 1912 में आती है। द बेल्स ऑफ पीस 1921 में आती है। वर्सेस ओल्ड एंड न्यू, ये कब आती है? 1926 में आती है। आप याद कैसे करेंगे? तो बहुत इजिली मैं आपको याद कराऊंगा। देखो, किसी भी व्यक्ति की अगर मूड अच्छा नहीं होता है तो फिर क्या सुनता है? सॉन्ग सुनता है, डॉगरल सुनता है। डॉगरल्स का मतलब होता है कॉमिक जो है वर्स होता है, ठीक है? कॉमिक वर्स को हम डॉगरल्स बोलते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का अगर मूड सही नहीं होता है तो फिर वो सॉन्ग सुनता है। अगर जब वो सॉन्ग सुनता है तो उसको थोड़ी सी शांति भी मिल जाती है। अगर वो स्ट्रेस में रहता है तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स्ड मिल जाता है, ठीक है, उसको शांति मिल जाती है। और देखो, अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचि होती है। कुछ लोग जो है ओल्ड सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, और कुछ लोग कैसे सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, न्यू सॉन्ग पसंद करते हैं। तो बस आपको सारा याद हो गया, मूड सॉन्ग्स एंड डॉगरल्स, ये जो है 1912 में आती है। और पीस से आपको याद करना है द बेल्स ऑफ पीस, और ओल्ड और न्यू से आपको याद करना है द वर्सेस ओल्ड एंड न्यू। इसके अलावा कुछ इनके और पोएम्स हैं, वो भी एक बार आप जरूर सुन लीजिए। पास्ट है, अ ड्रीम है, इरेंट्री है, डिवोन टू मी है, रसिया अमेरिका है, इसके अलावा जो है इंग्लैंड टू फ्री मैन है। ये जो है इनके कुछ माइनर पोएम्स हैं, एटलीस्ट आपको इनका नेम पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे जॉन गॉल्सवर्दी के थ्री ट्रायोलॉजीज की। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन पूछा जाता है। ये ट्रायोलॉजी आपको याद कर लेना है। पहली जो इनकी ट्रायोलॉजी होती है वो होती है द फॉरसाइट सागा, ये 1922 में आती है। दूसरी इनकी जो ट्रायोलॉजी होती है अ मॉडर्न कॉमेडी, ये 1929 में आती है। और तीसरी जो इनकी ट्रायोलॉजी होती है वो होती है द एंड ऑफ द चैप्टर, ये कब आती है? 1934 में आती है। ध्यान रखना, द फॉरसाइट सागा में जो है थ्री नॉवेल्स होते हैं, टू एंटरल्यूड होते हैं। और मॉडर्न कॉमेडी में भी जो है थ्री नॉवेल्स होते हैं और टू एंटरल्यूड्स होते हैं, और एंड ऑफ द चैप्टर में इसमें थ्री नॉवेल्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, एंटरल्यूड क्या होता है? एंटरल्यूड का मतलब होता है एक पीस ऑफ राइटिंग होती है जो दो नॉवेल्स या दो प्ले के बीच में लिखी जाती है, उसको हम एंटरल्यूड कहते हैं। तो अब हम बारी बारी से देखेंगे कौन कौन से इनके थ्री नॉवेल्स और टू एंटरल्यूड्स हैं। देखो, पहली जो इनकी ट्रायोलॉजी होती है वो होती है द फॉरसाइट सागा। अभी अभी हम लोगों ने देखा ये कब पब्लिश होती है एज अ ट्रायोलॉजी, 1922 में। इसमें थ्री नॉवेल्स होते हैं और टू एंटरल्यूड्स होते हैं। देखो, फॉरसाइट सागा की जो थीम होती है वो क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओल्ड और न्यू दो जनरेशन के बीच में जो है क्रॉस कल्चर स्ट्रगल को इसमें दिखाया जाता है। और फॉरसाइट सागा की जो पहली नॉवेल होती है वो होती है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये कब आती है? 1906 में आती है। और इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसका नेम आपको पता होना चाहिए, कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। सोमेस फॉरसाइट, इसमें ये मेन कैरेक्टर होते हैं। इसके अलावा जो है आपको ये भी याद रखना कि सोमेस फॉरसाइट जो होते हैं ओल्ड जोलियन के नेफ्यू होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इरेन जो है सोमेस फॉरसाइट की वाइफ होती है। इसमें जो एंटरल्यूड है वो है इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट, ये कब आती है? 1918 में आती है, ठीक है। और ये जो है जॉन गॉल्सवर्दी की मास्टरपीस होती है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो नॉवेल होती है वो होती है इन चांसरी, ये 1920 में आती है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो एंटरल्यूड होता है वो होता है अवेकनिंग, ये कब आती है? 1920 में। और लास्ट जो नॉवेल होती है टू लेट, ठीक है, ये कब आती है? 1921 में। देखो, फॉरसाइट सागा में जो नॉवेल्स और इंटरल्यूड है वो आपको बहुत इजीली याद होगा। आपको बस सिंपल इतना सा याद रखना है कि हर आदमी को इंडिया में एक चांस मिलता है, हर आदमी को इंडिया में एक चांस मिलता है स्पिरिचुअली अवेकन होने के लिए। अगर वो स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होता है तो फिर वो टू लेट हो जाता है। बस इतना आपको याद रखना है, हर आदमी को इंडिया में एक चांस मिलता है स्पिरिचुअली अवेकन होने के लिए। अगर वो स्पिरिचुअली अवेकेंड नहीं होता है तो टू लेट हो जाता है। अब देखो आपको कैसे पूरे याद हो गए, हर आदमी को, तो हर आदमी से आपको याद रखना है, आदमी से द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। और इंडिया से आपको याद रखना है इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट। और चांस मिलता है तो चांस से आपको याद रखना है इन चांसरी, ये 1920 में आती है। और स्पिरिचुअली अवेकन होने का चांस मिलता है तो अवेकन से आपको याद रखना है अवेकनिंग। और लास्ट में जो है अगर वो स्पिरिचुअली अवेकेंड नहीं होता है तो फिर वो क्या हो जाता है? टू लेट हो जाता है। समझ में आ गया? तो देखो आपको सारे के सारे प्ले और इंटरल्यूड आसानी से याद हो गए, ठीक है। पहले नॉवेल आएगा, फिर इंटरल्यूड आएगा, अल्टरनेट आएगा, ये आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे जॉन गॉल्सवर्दी के सेकेंड ट्रायोलॉजी की। जॉन गॉल्सवर्दी की जो सेकेंड ट्रायोलॉजी होती है वो होती है मॉडर्न कॉमेडी, ये कब पब्लिश होती है एज ए ट्रायोलॉजी? 1929 में। इसमें भी जो है थ्री नॉवेल्स होते हैं और टू एंटरल्यूड होते हैं। ये भी जो है अल्टरनेट आता है, सबसे पहले नॉवेल आएगा, फिर एंटरल्यूड आएगा, फिर नॉवेल आएगा, एंटरल्यूड आएगा, और लास्ट में नॉवेल आएगा।
कैसे याद करना है वो बहुत इजीली मैं आपको याद कराऊंगा। पहले आप देख लीजिए कौन कौन से नॉवेल और इंटरल्यूड हैं। देखो इसमें जो पहला नॉवेल होता है वो होता है द व्हाइट मंकी, 1924 में आती है। इसके बाद इंटरल्यूड आएगा वो है साइलेंट वूइंग, 1927 में आएगा। इसके बाद जो नॉवेल है द सिल्वर स्पून, ये आएगा 1926 में। फिर उसके बाद आएगा इंटरल्यूड पासर्स बाय, ये कब आएगा 1927 में। और लास्ट में आएगा स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है किसी भी राइटर का जो फाइनल वर्क होता है या फिर लास्ट वर्क होता है उसको हम बोलते हैं स्वान सॉन्ग। ठीक है, अब इसको आपको याद कैसे करना है वो मैं बहुत इजीली आपको याद कराऊंगा। देखो आपको सिर्फ एक पिक्चर को अपने माइंड में क्रिएट करना है। वो पिक्चर आपको जो क्रिएट करना है वो एक टेम्पल का सीन लाना है। ठीक है, आपने टेम्पल में देखा होगा बहुत सारे आपको मंकीज दिखेंगे, बहुत सारे बंदर दिखते हैं। एक सफेद कलर का बंदर है वो जो है साइलेंट वूइंग कर रहा है। क्या कर रहा है? साइलेंट वूइंग, वूइंग का मतलब चेस करना, परस्यू करना, पीछा करना। वो चुपके से जो है पीछा कर रहा है। ठीक है, और क्या करता है वो सिल्वर स्पून लेता है। किससे लेता है? पासर्स बाय से लेता है। ठीक है, पासर्स बाय का मतलब आने जाने वाले लोग को हम पासर्स बाय कहते हैं। ठीक है, वो क्या करता है सिल्वर स्पून लेता है। किससे लेता है? आने जाने वाले लोग से लेता है और लेके वो भाग जाता है। और लास्ट जो है स्वान सॉन्ग तो आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या इमेज लाया अपने माइंड में? आपने बस यही देखा कि जो है एक व्हाइट मंकी है, ठीक है, सफेद कलर का जो बंदर है वो जो है चुपके से आता है, पीछा करता है, और जो है सफेद कलर का चम्मच यानी सिल्वर स्पून लेता है। किससे लेता है? पासर बाई से लेता है, आने जाने वाले लोग से लेता है, लेके भाग जाता है। बस आपको याद हो गया। ठीक है, क्रम से आपको याद हो गया। व्हाइट मंकी ये 1924 में आती है, ये क्या है? नॉवेल। साइलेंट वूइंग ये जो है इंटरल्यूड है। द सिल्वर स्पून फिर से नॉवेल है। पासर्स बाय ये इंटरल्यूड है। स्वान सॉन्ग ये अगेन नॉवेल है। अब हम लोग जांगास्वर्दी के थर्ड ट्रायोलॉजी की बात करेंगे और उसका नाम है द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, और ये एज अ ट्रायोलॉजी कब पब्लिश होती है? 1934 में पब्लिश होती है। इसमें जो है ओनली थ्री नॉवेल्स होते हैं। कौन कौन से नॉवेल्स होते हैं? पहला होता है मेड इन वेटिंग, ये 1931 में आता है। दूसरा जो है फ्लावरिंग वाइल्डरनेस, ये कब आता है? ये आता है 1932 में आता है। और तीसरा जो नॉवेल होता है वो होता है ओवर द रिवर, 1933 में आता है। तो ये तीन नॉवेल्स आपको तैयार रखना है। देखो ये तीनों के तीनों नॉवेल्स में आपको बहुत इजीली याद करा दूंगा। आपको सिंपली जो है एक सीन को इमेजिन करना है। वो सीन ये है कि एक नौकरानी होती है, एक मेड होती है, वो फूल लेकर के जो है नदी के किनारे खड़ी थी। बस सिंपल सा आपको यही सीन लाना है अपने माइंड में। क्या लाना है? कि एक मेड है वो फूल लेकर नदी के किनारे खड़ी है। तो मेड से आपको याद होगा मेड इन वेटिंग, फ्लावर से आपको याद होगा फ्लावरिंग वाइल्डरनेस, और रिवर से आपको याद करना है ओवर द रिवर। ठीक है, अब ये आपको नहीं भूलेगा। देखो एक पॉइंट और आपको याद रखना है, जो फोर साइड सागा है, मॉडर्न कॉमेडी है और द एंड ऑफ द चैप्टर, इन तीनों जो है ट्रायोलॉजीज को जो है कलेक्टिवली द फोर साइड क्रॉनिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे जॉन गासवर्दी के कुछ और नॉवेल्स के बारे में। देखो जॉन गासवर्दी की जो नेक्स्ट नॉवेल है आपको याद रखना है वो है द कंट्री हाउस। ये कब आती है? 1907 में आती है। और इस नॉवेल में जो है जॉन गासवर्दी ने अपर क्लास की बात की है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अपर क्लास की बात जो है जॉन गासवर्दी कौन से नॉवेल में किया है? तो वो किए हैं द कंट्री हाउस में। याद आप कैसे करेंगे? तो बहुत इजीली आपको याद होगा। देखो जब हम हाउस कहते हैं तो हाउस का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट भी होता है, अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है, तो जो है हाउस में कौन बैठते हैं? लीडर्स बैठते हैं, नेता लोग बैठते हैं। और नेता लोग क्या होते हैं? सारे के सारे जो नेता होते हैं ना वो अपर क्लास से ही बिलोंग करते हैं, बहुत पैसे उनके पास होते हैं। ठीक है, तो जब भी आएगा द कंट्री हाउस, तो हाउस आप समझ जाना ये जो है जॉन गासवर्दी ने इसकी बात की है, अपर क्लास की बात की है। उसके बाद आपको याद रखना है फेटर्निटी, ये 1909 में आती है। और इसमें जो है जॉन गासवर्दी ने लोअर क्लास की बात की है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको आप कैसे याद करेंगे? बहुत इजीली आपको याद होगा। देखो जो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, तो देखो भाईचारा जो है लोअर क्लास में ज्यादा होता है। जैसे जैसे आप अपर क्लास में बढ़ते जाएंगे लोग बड़े ही इंडिविजुअल हो जाते हैं, बहुत ही जो है सेल्फिश हो जाते हैं। लेकिन जो है जितनी ही लोअर क्लास में आप जाएंगे उसमें अभी भी बहुत यूनिटी होती है। तो फ्रेटर्निटी जो है इसमें जॉन गासवर्दी ने लोअर क्लास की बात की है, तो ये भी आपको आप नहीं भूलेगा। नेक्स्ट जो नॉवेल है वो है पैट्रिसियन, 1911 में आती है। नेक्स्ट आपको याद रखना है द डार्क फ्लावर, ये 1913 में आती है। उसके बाद जो है आपको याद रखना है द फ्री लैंड्स, ये जो है 1915 में आती है। उसके बाद जो है आपको याद रखना है बियॉन्ड, ये 1917 में आती है। और प्रोग्रेस ये कब आती है? 1919 में आती है। ठीक है, तो देखो जॉन गासवर्दी के जो नॉवेल्स हैं, सबसे पहले हम लोगों ने थ्री नॉवेल्स को डिस्कस किया था। हमने देखा था जॉसलिन,
विला रबियन, आइलैंड फेरिसिस, ये सारे के सारे नॉवेल्स जो है जॉन गासवर्थी ने अपने फर्स्ट फेज में लिखा था। इसके बाद जो है थ्री ट्रायोलॉजीज में जो है हम लोगों ने 9 नॉवेल्स को पढ़ा है, ठीक है, और इधर हम लोगों ने 7 नॉवेल्स को पढ़ लिया। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने कितने नॉवेल्स पढ़ लिया, 19 नॉवेल्स पढ़ लिया और 27 प्लेस पढ़ लिया। और ये मैंने आपको अच्छे से याद भी करा दिया है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। एग्जाम में जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन सा इसमें नॉवेल है, कौन सा प्ले है, कौन सा ट्रायोलॉजी है, इससे जो है कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको श्योर एंड सर्टेन पूछा जाएगा। तो अगर ये सारे पॉइंट्स आपके अच्छे से तैयार हैं तो इस तरह के प्रश्न बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर लेंगे। अब हम बात करेंगे जॉन गासवर्थी के इम्पोर्टेंट प्लेस से इम्पोर्टेंट लाइन्स की। यहाँ से भी देखो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और मुख्यतः जो है जो 4 इनके नॉवेल्स हैं कौन कौन से, पहला जो है द सिल्वर बॉक्स, दूसरा जो है स्ट्राइफ, तीसरा जो है जस्टिस और चौथा जो है द लॉयलिटीज, यहाँ से जो है लाइन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सारे लाइनों को हम लोग क्विकली जो है अटेम्प्ट करेंगे। तो पहली जो लाइन है वो है, आई रीड इन वेरियस चैम्बर्स, प्रैक्टिस ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, आई डिसलाइक माय प्रोफेशन थॉरली, ये स्टेटमेंट जॉन गासवर्थी ने बोला है, ठीक है। तो जॉन गासवर्थी हम लोगों ने देखा था उनको वैसे भी लॉयर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो उसी से रिलेटेड ये लाइन है। नेक्स्ट लाइन है, यू मे ब्रेक द बॉडी बट यू कैन नॉट ब्रेक द स्पिरिट, ये स्टेटमेंट डेविड रॉबर्ट्स जो है स्ट्राइक में बोलते हैं, और ये स्टेटमेंट जो है डेविड रॉबर्ट्स जो है जॉन एंथोनी के लिए बोलते हैं कि तुम मुझे फिजिकली तो नुकसान पहुंचा सकते हो लेकिन तुम जो है मेरे स्पिरिट को, स्पिरिट का मतलब यहाँ पे कॉन्फिडेंस विल पावर की बात हो रही है, कि तुम मेरे कॉन्फिडेंस या विल पावर को जो है कमजोर नहीं कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट डेविड रॉबर्ट्स ने स्ट्राइक में बोला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मे बी योर गॉड अप इन लंडन हैज नो टाइम टू लिसन टू द वर्किंग मैन, आई एम टोल्ड ही इज अ वेल्थी गॉड, ये स्टेटमेंट डेविड रॉबर्ट्स स्ट्राइक में बोलते हैं, ठीक है। तो डेविड रॉबर्ट कह रहे हैं कि शायद जो है लंडन में जो तुम्हारे गॉड हैं उनके पास जो है वर्किंग मैन के लिए टाइम नहीं है, ठीक है, और मुझे तो बताया गया है कि वो जो गॉड है वो कैसे गॉड है, वेल्थी गॉड है। तो ये भी स्टेटमेंट किसने बोला है, डेविड रॉबर्ट ने स्ट्राइक में बोला है। नेक्स्ट आपको बताना है, वेटिंग एंड वेटिंग दैट इज वॉट वुमेन हैज टू डू, ये स्टेटमेंट मेज बोलती है स्ट्राइफ में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो लाइन है, दैट इज द कैपिटल, अ व्हाइट फिस्ट, स्टोनी हार्टेड मॉन्स्टर, ये स्टेटमेंट डेविड रॉबर्ट स्ट्राइफ में बोलते हैं, और ये भी लाइन जो है डेविड रॉबर्ट किसके लिए बोलते हैं, जॉन एंथोनी के लिए बोलते हैं, और जॉन एंथोनी को वो कैपिटल करके एड्रेस कर रहे हैं कि दैट्स कैपिटल, व्हाइट फिस्ट है और स्टोनी हार्टेड मॉन्स्टर है। स्टोनी हार्टेड का मतलब पत्थर दिल वाला राक्षस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट डेविड रॉबर्ट ने किसको बोला है, जॉन एंथोनी को बोला है, किस प्ले में, स्ट्राइक में बोला है। नेक्स्ट लाइन है, वी आर नॉट फ्री एजेंट, वी आर पार्ट ऑफ मशीन, और ओनली बिजनेस इज टू सी द कंपनी अर्न एज मच प्रॉफिट एज इट सेफली कैन, ये स्टेटमेंट वैंकलिन जो है स्ट्राइक में बोलते हैं। और देखो इस लाइन का मतलब ये है कि वैंकलिन ये कह रहे हैं कि हम लोग भी जो है फ्री एजेंट नहीं है, हम लोग जो है मशीन के पार्ट है, यानी कंपनी के पार्ट है, और हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो जॉब है वो यही है कि कंपनी को जो है जितना हो सके प्रॉफिट दिला सके, वो भी सेफली, समझ पे आया। तो ये स्टेटमेंट किसने बोला है, वैंकलिन ने स्ट्राइक में बोला है। नेक्स्ट है, वॉर इज वॉर, ये स्टेटमेंट जो है जॉन एंथोनी के द्वारा बोला जाता है स्ट्राइक में। नेक्स्ट लाइन आपको बताना है, देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन अ हाउस वेयर टू मैन मीट द बेटर मैन विल रूल, ये भी जो है स्टेटमेंट जॉन एंथोनी के द्वारा स्ट्राइक में बोला जाता है। तो इस लाइन में जॉन एंथोनी कह रहे हैं कि जो है किसी भी घर में जो है सिर्फ एक मास्टर होता है, और जहां पे 2 मास्टर हो जाते हैं वहां में जो बेटर मैन होता है वही रूल करता है, ये स्टेटमेंट जॉन एंथोनी स्ट्राइक में बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन है, मास्टर्स आर मास्टर्स, मेन आर मेन, इल टू वन डिमांड एंड दे विल मेक इट 6, दे आर लाइक ओलिवर ट्विस्ट आस्किंग फॉर मोर, ये स्टेटमेंट जॉन एंथोनी स्ट्राइक में बोलते हैं। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, जॉन एंथोनी कह रहा है कि मास्टर देखो मास्टर होते हैं, मेन जो है मेन होते हैं, अगर आज जो है इनकी डिमांड को हम मान लेंगे तो कल ये जो है 6 और डिमांड लेके आ जाएंगे, और ये जो है ओलिवर ट्विस्ट हो गए हैं जो आस्किंग फॉर मोर, जो एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। तो देखो ओलिवर ट्विस्ट जो है ये चार्ल्स डिकेंस की एक नॉवेल होती है, और ओलिवर ट्विस्ट को जो है एक ऑर्फनेज में रखा जाता है, और उस ऑर्फनेज में जो है एक स्ट्रिक्ट रूल होता है कि वहां पे जितने भी बच्चे होते थे उनको फिक्स्ड अमाउंट में खाना मिलता था, उनको अलाउड नहीं होता था एक्स्ट्रा खाना मांगना, लेकिन वहां पे ओलिवर ट्विस्ट जो है एक्स्ट्रा खाना मांगता है। तो यहाँ पे जो है जॉन एंथोनी लेबर्स को जो है ओलिवर ट्विस्ट से कंपेयर करते हैं कि अगर आज लेबर्स के एक डिमांड के आगे झुक जाएंगे तो कल ये जो है 6 और डिमांड लेके आ जाएंगे,
समझ में आ गया। तो ये स्टेटमेंट किसने बोला है? जॉन एंथोनी ने बोला है, स्ट्राइक में बोला है। नेक्स्ट जो लाइन है, व्हाट सीम जस्ट वन मैन सर इज इनजस्टिस टू अनदर, ये स्टेटमेंट एडगर के द्वारा बोला जाता है स्ट्राइक में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अ वुमन डेड एंड टू बेस्ट मैन बोथ ब्रोकन, ये स्टेटमेंट हार्नेस के द्वारा बोला जाता है। देखो स्ट्राइक में जो है डेविड रॉबर्ट जो है वर्किंग कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और कंपनी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? जॉन एंथोनी। इन दोनों के बीच में जो है डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है कुछ डिमांड को लेकर के, और ये जो है डिस्प्यूट जो है 4 महीनों तक चलता है और 4 महीनों तक जो है कंपनी में काम बंद रहता है। इससे जो है कंपनी को भी नुकसान हो रहा था और दूसरी तरफ जो है लेबर्स थे जो रोज वहां पे काम करते थे, जो रोज कमाते थे, उनको भी बहुत नुकसान हो रहा था। फिर क्या होता है, जॉन एंथोनी को कौन रिप्लेस करता है? उन्हीं का बेटा एडगर जो है एंथनी, वो रिप्लेस करता है। और जो है इधर डेविड रॉबर्ट को कौन रिप्लेस करता है? हार्नेस रिप्लेस करता है। और यहाँ पे फिर क्या होता है, एडगर और हार्नेस ये दोनों लोग मिलकर के कंप्रोमाइज करते हैं और जो भी जायज डिमांड था उसको मान लेते हैं और फिर से कंपनी स्टार्ट हो जाती है और फिर से जो लेबर्स हैं वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर लास्ट में हार्नेस ये स्टेटमेंट बोलता है, अ वुमन डेड, इस वुमेन की डेथ होती है, डेविड रॉबर्ट की वाइफ जो एनी रॉबर्ट होती है उसकी डेथ हो जाती है, और टू बेस्ट मैन यानी डेविड रॉबर्ट की बात हो रही है और जॉन एंथोनी की बात हो रही है, बोथ ब्रोकन। तो ये स्टेटमेंट कौन बोलता है? हार्नेस किस प्ले में बोलते हैं? स्ट्राइक में बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन है, अ मैन डज नॉट सकम लाइक दैट इन अ मोमेंट इफ ही इज अ क्लीन माइंड एंड हैबिट्स, ये स्टेटमेंट जो है जेम्स हाउ फॉल्डर के बारे में बोलते हैं, कौन से प्ले में? जस्टिस में, ठीक है। और इस लाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो है जेम्स हाउ ये कहते हैं कि कोई भी आदमी जो ईमानदार है, क्लीन माइंड एंड हैबिट्स का मतलब कोई भी आदमी जो ईमानदार है तो वो कैसे भी मोमेंट आ जाए वो उसके सामने हार नहीं मानता है, वो उसके सामने झुकता नहीं है। सकम मतलब हार मानना या झुकना, तो ये लाइन का मतलब है और ये लाइन किसके द्वारा बोली जाती है? जेम्स हाउ के द्वारा। नेक्स्ट आपको बताना है, नो वन विल टच हिम नाउ नेवर अगेन ही इज सेफ विद द जेंटल जीसस, ये स्टेटमेंट कुक्सन बोलता है फॉल्डर के बारे में जस्टिस में, ठीक है। देखो कुक्सन को जो है हमेशा जो है फॉल्डर से सिंपैथी होता है और जब फॉल्डर की डेथ हो जाती है तब ये स्टेटमेंट कुक्सन के द्वारा बोला जाता है कि अब जो है उसको कोई टच नहीं कर पाएगा, यानी अब उसको कोई परेशान नहीं कर पाएगा कभी नहीं, ठीक है। अब वो जो है जीसस क्राइस्ट के जेंटल हाथों में सेफ है, ये स्टेटमेंट कौन बोलते हैं? कुक्सन बोलते हैं। किसके लिए? फॉल्डर के लिए। और प्ले कौन सी होती है? जस्टिस होती है। नेक्स्ट जो लाइन है, लाइफ इज अ लॉन्ग टेम्पिटेशन, ये स्टेटमेंट जॉन गॉसवर्थी जस्टिस में बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लाइन है, इट इज द सेम विद द डॉग्स, इफ यू ट्रीट देम विद काइंडनेस दे विल डू एनीथिंग फॉर यू बट टू सेट देम अप अलोन इट ओनली मेक्स देम सैवेज, ये भी स्टेटमेंट कुक्सन के द्वारा बोला जाता है जस्टिस में। कुक्सन ये कहता है कि देखो कुत्तों के साथ भी तो यही होता है, अगर आप उसके साथ अच्छे से ट्रीट करेंगे तो वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, और अगर आप उसको जो है अकेले किसी कमरे में बंद कर देंगे तो फिर वो भी क्या हो जाएगा, वो भी वायलेंट हो जाएगा, हिंसक हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट कुक्सन ने जस्टिस में दिया है। नेक्स्ट लाइन है, यू कैन नॉट प्ले फास्ट एंड लूज विद द मॉरेलिटी एंड होप टू गो स्कॉट फ्री, इफ सोसाइटी डिडंट केयर ऑफ इटसेल्फ नोबडी वुड, सूनर यू रियलाइज दैट द बेटर, ये स्टेटमेंट जो है जेम्स हाउ जस्टिस में बोलते हैं। देखो तो लाइन का मतलब है, जेम्स हाउ कह रहे हैं कि मॉरलिटी के साथ अगर आप खिलवाड़ करते हैं, टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब खिलवाड़ करना, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कोई पनिशमेंट भी ना मिले, अगर सोसाइटी जो है अपना केयर खुद ना करे तो कोई उसका केयर भी नहीं करता, इस बात को आप जितने जल्दी रियलाइज कर लें उतना बेहतर होगा, ये लाइन जो है जेम्स हाउ ने जस्टिस में बोला है। नेक्स्ट जो लाइन है, द लॉ इज व्हाट इट इज, अ मजेस्टिक एडिफिस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन एनदर, ये स्टेटमेंट जो है जज के द्वारा बोला जाता है जस्टिस में, और जज का नाम क्या रहता है? जस्टिस फ्लॉयड। देखो ये कह रहे हैं कि लॉ जो है एक मजेस्टिक एडिफिस होता है, एक शानदार जो है बिल्डिंग होती है, इमारत होती है, जिसमें हम सभी को क्या मिलता है? शरण मिलता है। ये स्टेटमेंट जज के द्वारा बोला जाता है जस्टिस में। नेक्स्ट लाइन है, जस्टिस इज अ मशीन दैट व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट द स्टार्टिंग पुश रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ, ये स्टेटमेंट जो है हेक्टर फ्रोम के द्वारा बोला जाता है जस्टिस में। नेक्स्ट जो लाइन है, एजुकेशन इज सिंपली रोइनिंग द लोअर क्लासेस, इट अनसेटल्स देम एंड दैट इज द वर्स्ट फॉर अस ऑल, आई सी एन एनॉर्मस डिफरेंस इन द मैनर ऑफ द सर्वेंट्स, ये स्टेटमेंट जो है मिसेस बार्थबी बोलती है सिल्वर बॉक्स में, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि एजुकेशन जो है
लोअर क्लास को रूइनिंग मतलब बर्बाद कर दे रहा है, यानी उनको बिगाड़ के रख दे रहा है। ये जो है उनको अनसेटल्स कर दे रहा है, और ये हम सबके लिए जो है सबसे बुरी बात है। आगे मिसेस बार्थी भी कह रही हैं कि जैसा कि मैं देख रही हूं कि नौकरों के व्यवहार में जो है बहुत ज्यादा, इनॉर्मस का मतलब बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। ये स्टेटमेंट जो है मिसेस बार्थबी के द्वारा बोला जाता है सिल्वर बॉक्स में। आज के सेशन का नेक्स्ट और लास्ट लाइन है, लॉयलिटीज आई डोंट नो क्रिस क्रॉस वी ऑल कट ईच अदर्स थ्रोट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स। ये स्टेटमेंट मार्गरेट के द्वारा बोला जाता है लॉयलिटीज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो देखो इस तरह से जो है जॉन रॉस वर्दी से रिलेटेड हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। सारे पॉइंट्स को आपको एक से दो बार रिवाइज कर लेना है। अगर आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि एग्जाम में जॉन रॉस वर्दी से किसी भी तरह का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, आप बहुत इजिली उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।